हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वैसलीन में सिंदूर डालना क्या जरूरी है दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग सा टिप्स एंड ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत ही हैक्स वाला टिप्स लेकर आए हैं दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज का मेरा फर्स्ट टिप्स है, वो है दोस्तों, देखिए इस तरीके से बेकार कार्टून को लेकर। जैसे कि देखिए, मेरे घर में कोई भी सामान आता है कार्टून वाला तो हम उसे फेंकते नहीं है, उसे हम अपने यूज के लिए बना लेते हैं ऑर्गेनाइजर बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आज हम इसका बनाने वाले हैं। देखिए, एक खूबसूरत सी चूड़ीदानी रखने वाला। ऐसे मार्केट में हम लोग इस तरीके का चूड़ीदानी खरीदने जाता है तो काफ़ी पैसा लग जाता है। इस तरीके से देखिए, ये हमारे बच्चे के जिल्द मरने के लिए लाए थे, वो जिल्द का ये रोल है तो इसे भी हम रख दिए थे संभाल के। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें बना लेना है। बहुत ही अच्छा सा ये हैक्स दोस्तों, और बहुत ही बचत वाला हैक्स। देखिए यहाँ पे हम वो जो हम ले लिए हैं, जो कार्टून का जो रोल है, इसको हम इस तरीके से काट के और इसको फिक्स कर दिए हैं, पूरा टेप लगा के फिक्स किए हैं ताकि अच्छा से रहे। और चार्ट पेपर रहता तो इसे हम पूरे में लगा देते, लेकिन चार्ट पेपर नहीं है दोस्तों, बाद में इसे में हम चार्ट पेपर लगा देंगे। तो चलिए, ये मेरा ऑर्गेनाइजर देखिए किस तरीके से बनकर तैयार हो गया है, इसे हम बना लिए हैं। और यहाँ देखिए, हम चूड़ी भी रख के सजा दिए हैं, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये मेरा फ्री का जुगाड़ बनकर हो गया, रेडी तैयार हो गया दोस्तों, बिना एक रुपया खर्चा किए, बेकार पड़े सामान से कबाड़ से जुगाड़। आइडिया जरा सा भी यूजफुल लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो आपके दोस्तों रिश्तेदार भी दोस्तों ये सब टिप्स का फायदा ले सके। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स, नेक्स्ट आइडिया यहाँ पे दोस्तों सिंदूर को लेकर। देखिए, गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी के टाइम में क्या होता है कि हम लोग जब मांग में सिंदूर लगाते हैं तो देखे होंगे कि जब सिंदूर लगाते हैं ऐसे ही तो भर भर करके और पूरा सिंदूर निकल जाता है, नहीं तो पूरे मांग में लिसर जाता है। और अगर पसीना चलता है तो पसीने से सिंदूर बह जाता है। तो एक आइडिया आज बताने वाले हैं दोस्तों जिससे हमारा सिंदूर नहीं भरकेगा और नहीं लिसराएगा और नहीं पसीना में बहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, सिंदूर लगाने से पहले देखिए आप लोग को एक हम आइडिया बताने वाले हैं कि ले लेना है हमारे घर में वैसलीन, तो सभी के घरों में रहता ही है, वैसलीन हो या नारियल का तेल हो, यहाँ पर ले लेना है। तो देखिए, वैसलीन जहाँ मांग में जब हम सिंदूर लगा रहे हैं तो पहले वैसलीन को इस तरीके से लगा लीजिए, नहीं तो नारियल तेल है तो नारियल पहले लगा लीजिए। और लगाने के बाद दोस्तों सिंदूर लगाइएगा सिंदूर को। ये देखिए, इस तरीके से जब सिंदूर लगाएंगे तो ये सिंदूर अच्छे से क्या होता है कि जब हम नारियल तेल लगा के लगाएंगे या वैसलीन लगा के ना, तो अच्छे से चिपक जाता है मांग में, एक ही जगह चिपक जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है। तो क्या होता है ना कि ना भरकता है और ना पसीना से बहता है। ये आइडिया बहुत ही परफेक्ट लगता है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम अपने मांग में सिंदूर लगाते हैं तो यही आइडिया को फॉलो करते हैं। आइडिया जरा सभी यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चले देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स, नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों, गर्मी का टाइम चल रहा है, ये क्या है कि आज हम अभी हम प्याज काट रहे हैं और बता रहे हैं। खाने पीने में तो प्याज हम लोग बहुत ही यूज करते हैं, लेकिन आज खाने पीने के लिए नहीं, आज कुछ हट के टिप्स बताने वाले हैं प्याज का। तो देखिए, इस तरीके से हमें छिलका उतार लेना है, प्याज को इस तरीके से हमें काट लेना है चार भाग में, और देखिए एक एक करके इसे निकाल लेना है। ये जो हम एक एक करके स्लाइस जो निकाल रहे हैं, इसी तरीके से एक एक करके स्लाइस निकालिएगा। और यहाँ पे हमें सिर्फ आधे प्याज का हमें निकालना है, अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ले लेना है हमें सलाई का कांटी, माचिस का कांटी, हम लोग गाँव में सलाई बोलते हैं, तो माचिस का ये ले लेना है तिल्ली। और ये इस तरीके से ये जो हम प्याज निकाल के रखे हैं इसको इस तरीके से माचिस के तिल्ली में लगा देना है, चार पाँच ऐसे हमें लगा देना है। और तीन माचिस के तिल्ली यहाँ पे हम बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, इसे हम किस लिए यूज करने वाले हैं, क्या होता है कि इन दिनों गर्मी का टाइम देख रहे हैं कि चल रहा है, गर्मी के टाइम में बहुत सारे छिपकली देखेंगे इधर उधर दीवार पे मंडराते रहता है, तो छिपकली को, कॉकरोच को, जो लहसुन प्याज का जो स्मेल होता है वह हाइजीनिक होता है, वो नहीं सहन कर पाते हैं और भाग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को देखिए, इस तरीके से हमें रख देना है घर में, घर में जहाँ लग रहा हो कि ज़्यादा छिपकली आ रहा हो, कॉकरोच आ रहा हो, वहाँ रख दीजिए। तो आइडिया जरा सा यूज, आज का टिप्स एंड ट्रिक कैसा लगा, जरा सा यूजफुल लगा हो, काम का लगा हो वीडियो, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा, और न्यू तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।